साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में भारत में तथा भारत से बाहर तमाम वे सारे लोग जो संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ संविधान दिवस मनाते हैं। इसी की कड़ी में हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिपरा प्रखंड में BSP और बाम सेफ के द्वारा बहुत ही धूमधाम से संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर BSP के झारखंड प्रदेश महासचिव पुनीत अंबेडकर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा अभी आप सुन सकते हैं। उपस्थित माताएं बहनें एवं पंचायत बूथ जिला प्रखंड एवं विधानसभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मेरे तरफ से हार्दिक संविधान दिवस की मंगल कामनाएं। साथियों, भारत के 10,000 साल के इतिहास में, भारत के 10,000 साल की सभ्यता में 26 नवंबर 1949 का वो दिन पहला दिन था जब भारत संवैधानिक भारत बना। भारत के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव हुए, लेकिन भारत कभी भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत नहीं था। 26 नवंबर 1949 का वो दिन पहला दिन था जब भारत संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बना। इसलिए जितना महत्व 15 अगस्त का है, जितना महत्व 26 जनवरी का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व 26 नवंबर का है। इस बात को हम भारत के लोगों को, हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि संविधान है तो भारत इंडिपेंडेंट है, संविधान है तो भारत रिपब्लिक है। अगर संविधान नहीं है तो भारत इंडिपेंडेंट भी नहीं है और भारत रिपब्लिक भी नहीं है। इसलिए भारत की रिपब्लिक और भारत का इंडिपेंडेंट अगर किसी पे टिका हुआ है वो है भारत का संविधान। इसलिए हम लोगों को ये बात समझने की और लोगों को बताने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय संविधान है। जब यह बना तब इसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अभी इसमें 12 अनुसूची हो गई है। और यह सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बेस्ट संविधान है। यह दुनिया की सबसे अच्छी संविधान है। कैसे अच्छी संविधान है आपको जानते नहीं, कुछ चीजें आपको भारत के संविधान में ऐसी मिलेंगी जो दुनिया के दूसरे देशों के संविधान में एक साथ एक ही संविधान में इतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। पहला, आप अगर भारत का संविधान का प्रस्तावना उठाएंगे और आप पढ़ेंगे उसमें 5 महत्वपूर्ण 5 गवर्निंग सिद्धांत मिलेंगे। वो 5 क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानव की गरिमा, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे हम अंग्रेजी में द 5 गोल्डन प्रिंसिपल कहते हैं। ये भारत की संविधान की पहला यूनिकनेस है। दूसरा, भारत के संविधान ने हम सबको कॉमन सिटीजनशिप दिया, समान नागरिकत्व दिया। भारत का संविधान बनने से पहले भारत में समान नागरिकत्व नहीं था। जो आदिवासियों की गंड पद्धति थी, ट्राइबल रिपब्लिकन सिस्टम था, उसमें हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, लोकतंत्र देखने को मिलती है, लेकिन पूरे भारत में एक साथ, पूरे भारत में एक साथ एज ए स्टेट डेमोक्रेसी अगर सेटल हुई हो तो 26 नवंबर 1949 का दिन है। और इसलिए
भारत के संविधान ने हम सभी लोगों को समान नागरिकत्व दिया, एक समान कॉमन सिटीजनशिप। चाहे कोई उत्तर भारत का रहने वाला हो, दक्षिण भारत का रहने वाला हो, पूर्व भारत का रहने वाला हो, पश्चिम भारत का रहने वाला हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, स्वच्छ हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिला हो, सबको एक समान नागरिकत्व दिया। इसलिए दूसरा यूनिकनेस जो है भारत के संविधान का वो है कॉमन सिटीजनशिप। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान ने हमें संविधान में मूल कुछ मूलभूत अधिकार दिए, जिसे हम फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं, जो संविधान के पार्ट थ्री में आर्टिकल 12 से लेकर 35 का जो आर्टिकल है, 12 से लेकर 35 तक का जो अनुच्छेद है, उसमें आपको मूल अधिकार मिलेंगे, जिसे हम मुख्य रूप से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का अधिकार, ये हमें आप लोगों को संविधान के पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट में आप लोग मिलेगा। उसके बाद भारत के संविधान ने क्या दिया, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया नौकरियों में और एजुकेशन में और सर्विसेज में। उसके बाद भारत के संविधान ने कल्याणकारी राज्य बनाया, वेलफेयर स्टेट बनाया। आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, सम्राट अशोक हुए, कनिष्क हुए, हर्षवर्धन हुए, उसके बाद आदिवासी राजा भी हुए, शंभुदेव, माधवा, नर्मदा वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन भारत में भारत संविधान ने पहली बार कल्याणकारी राज्य बनाया, वेलफेयर स्टेट बनाया, जो संविधान के पार्ट 4 जिसको हम डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उसमें ऐसा बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, जो इक्वालिटी का, लिबर्टी का और लाइफ का जो अधिकार है, उसके लिए प्रैक्टिकल पॉलिसी बनना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल पॉलिसी बननी चाहिए। और इसके लिए न्यायपालिका को, कार्यपालिका को और विधायिका को आदेश दिया गया कि आप जो है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसी नीति बनाए, जिससे जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी और लाइफ की जो सपना है वो साकार हो सके। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें, समय अभाव की वजह से हम आपको ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये जो बात है जिसको हम लोग इक्वालिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी और जस्टिस की बात कर रहे हैं, और अब जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार का बात किया, जिसमें वोट करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने फिरने का अधिकार, घूमने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि इसके साथ साथ इकोनॉमिक राइट और सोशल राइट, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार को भी हमें फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? चलिए जैसे मान लेते हैं कभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और किसी ने मुझे बोलने से रोका, तो हम आर्टिकल 19 के तहत कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट पिटीशन कर सकते हैं कि हमें बोलने से रोका जा रहा है और इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और कोर्ट आदेश देगी कि आप इनको बोलने से नहीं रोक सकते, और मुझे जरूरत पड़ा तो पुलिस प्रोटेक्शन में हमें बोलने दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं?
नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक अधिकार को, सामाजिक अधिकार को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया। और किसके वजह से नहीं बनाया गया? इसमें जो रोल है वो पंडित नेहरू और जेपी कृपलानी के वजह से। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जब 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनी आखिरी बात रख रहे थे, तो बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात महत्वपूर्ण कहे थे कि 26 जनवरी 1950 से हम विरोधाभास के जीवन में कदम रखने जा रहे हैं। विरोधाभास क्या है? राजनीतिक रूप से बराबरी होगी, एक आदमी का एक वोट होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी बनी हुई है वो बनी रहेगी और ये चलती रहेगी। इसलिए इस देश के जो हुक्मरान है, इस देश के जो शासक है, मेरा ऐसा कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत किया जाए। अगर आपने समय रहते हुए सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को अंत नहीं किया, तो जो लोग इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी से पीड़ित हैं, वो उठकर खड़े होते एक दिन खड़े हो जाएंगे और ये जो लोकतंत्र का मंदिर जो हमने खड़ा किया है इसको तहस नहस करेंगे, गिरा देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को कहे। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आज कुछ साल पहले पूरी दुनिया का वेल्थ यानी धन का सर्वे आया, उसमें भारत का भी वेल्थ का सर्वे आया, और उस सर्वे में बताया गया कि भारत में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे भारत की संपत्ति का, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो या नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, पूरे संपत्ति का 58.4% जो संपत्ति है पूरे भारत की, मात्र 1% लोगों के पास है। पूरे देश में एक भारत की आबादी 130 करोड़ की है, 130 करोड़ का 1% होता है 1 करोड़ 30 लाख, यानी 1 करोड़ 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास 58.4% संपत्ति है। भारत के 70% लोगों के पास मात्र 30% संपत्ति है, और भारत के 10% लोगों के पास 86.6% संपत्ति है। ये बोलने का मेरा मकसद था कि बाबा साहब अंबेडकर की बात अगर उस वक्त मान ली गई होती और सामाजिक और आर्थिक अधिकार को, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता, तो यह विषमता देखने को नहीं मिलता, ये आर्थिक विषमता देश में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जब 14 अप्रैल 1984 को बनी, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है? समाज परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का। और बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति ला कर भी दिखाया। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, अभी एक महिला थी चली गई, उन्होंने बोल रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर पूना पैक के वजह से सिंगल इलेक्टोरेट यानी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला और ज्वाइंट सेपरेट इलेक्टोरेट गवाना पड़ा और ज्वाइंट इलेक्टोरेट मिला। तो बाबा साहब अंबेडकर ने दूसरा रास्ता निकाला था सेपरेट सेटलमेंट का, कि हमारे लोगों के पास अगर जमीन हो जाएगा, हमारे लोगों के पास जीविका चलाने का जमीन हो जाएगा, तो उनके ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं होगा। तो इस सपने को साकार करने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया और उत्तर प्रदेश में दलित समाज के, आदिवासी समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को रहने के लिए ही सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि जीविका चलाने के लिए भी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ तक जमीन देने का काम किया गया, नौकरी दी गई, अत्याचार रोकने के लिए गुंडा एक्ट बनाया गया, और समाज परिवर्तन के दिशा में सभी महापुरुषों के नाम से जिले निर्माण किए गए, विश्वविद्यालय निर्माण किए गए, पार्क निर्माण किए गए, ऐसे बहुत सारे काम किए गए। इसलिए साथियों, आप लोग बीच अपनी ज्यादा बात नहीं रखेंगे, अपनी आखिरी बात को अंत में रखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, और इस पंचायत के चुनाव में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे मानने वाले और बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को ही आप चुनकर पंचायत में या जिला परिषद में भेजने का काम करेंगे।
ऐसा आप करेंगे ना, कितने लोग करेंगे, हाथ उठाइए। और आने वाले दिनों में जो इस विधानसभा में भी चुनाव होगा, तो आप अपने एकमात्र प्रत्याशी, आपका एकमात्र प्रत्याशी कौन है, आपका एकमात्र प्रत्याशी हाथी छाप को वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। इतना ही बोलकर अपनी बात को रोकते हैं। जय भीम, जय भारत।